अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मणिपुर जल रहा था और आज भी जल रहा है, लिहाजा मणिपुर की आग अब हरियाणा पहुंची हुई है। हरियाणा में मेवात नूह में एक समाज को टारगेट कर उनका कत्लेआम करने का इल्ज़ाम कई सारी मुस्लिम तंजीमों की जानिब से लगाया गया है। उनका कहना है कि जो चेतन सिंह ने जो रेल में जो कत्लेआम हत्याकांड किया हुआ है, वो जानबूझकर मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लिहाजा कई सारे कारोबार वहाँ पर ठेले लगाने वाले मुसलमानों के कारोबार जलाए गए और एक समाज को एक सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे हिंदुत्व तंजीमें होने की बात के, ख़ासकर अगर इस मामले को देखा जाए, जो इस रैली का जो ऑर्गेनाइज़र था वो मोनू मानेसर, जो जुनेद और नासिर को जिंदा जलाने में वो अहम मुजरिम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीवी पर आता है, इंटरव्यू देता है और वो एक रैली का ऑर्गेनाइजेशन जलाभिषेक यात्रा के नाम से एक रैली का अहतमाम भी किया जाता है। और उमूमन ये भी देखने में मिलता है कि जितनी भी रैलियाँ निकलती हैं, जानबूझकर वो मुस्लिम एरिया से ले जाते हैं ताकि फसाद बरपा हो। ये तमाम चीज़ें 2024 के मद्देनज़र की जा रही हैं, ऐसा कई सारे इल्मी माहिरीन का और बड़े कई सारे इल्मी माहिरीन का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से भाजपा और मोदी का जो असर घटते जा रहा है, तो उसे फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करके पूरे मुल्क में एक अशांतता कायम की जाए, तशद्दुद को बर्पा किया जाए और इसी तशद्दुद के आग में इख्तदार की कुर्सी हासिल किया जाए। आज यहाँ पर कई सारे मुस्लिम तंजीमों इदारों की जानिब से तीन मुसलमानों का जो रेल में कत्ल किया गया और दिगर भी उनके कारोबार को जला गया मेवात और नूह में, तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर आज एहतजाज किया गया। और उन्होंने मुतालबा किया कि जो चेतन सिंह जो रेल महकमा का जो एक कारकुन था, उसे जो फांसी की सज़ा दी जाए। और ख़ासकर मीडिया को भी लेकर यहाँ पर बात की गई कि मीडिया एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की साजिश कर रहा है। देखते हैं कि सरकार इस पर कितनी संजीदा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह और 1 अगस्त को जयपुर से बॉम्बे आने वाली ट्रेन में एक आरपीएफ पुलिस जो ट्रेन में ड्यूटी करते रहता है, सुबह को 5 बजे उन्हें एक उसके साथ सीनियर पुलिस जो आदिवासी समाज से संबंध रखता है उसको गोली मार के, और मुसलमानों के 3 लोगों को जो सफर कर रहे थे, अपने रोटी रोजी के लिए सफर कर रहे थे, उनको उन्हें गोली मार के जो है कि नहीं हत्या किया है उनके। तो इसके लिए हम जो है डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दे, ये जो है अब जो है कि नहीं हमारे को कौन से ऑफिसर पर भरोसा रखना और कौन सा ऑफिसर आरएसएस से संबंध रखता है, बजरंग दल से संबंध रखता है, ये आज हमारे को आज माइनॉरिटी वालों को डर और खौफ है। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से यही कहना चाहता हूँ, आप जो बाहर जो देश फिर रहे वो देश को फिरने का घूमने का बंद करके हमारे जो भारत देश में क्या अन्याय हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है और कितने आतंकी जो आतंकी जो लोग हैं वो कितने घूम रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान तवज्जो देना चाहिए। और इस भारत देश के लिए जो आज़ादी करने के लिए जो है हर मुसलमान जो है कि नहीं ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी दिया है, आज इनको ही तुम ढूंढ के कत्ल कर रहे बोले तो बड़ी अफसोस की बात है। तो इसके लिए जो है हमारे डीसी साहब को हम रिक्वेस्ट करें कि जो चेतन सिंह नाम वाला जो पुलिस ऑफिसर था उसको जो है फांसी की सजा होना और उसके घर को जो है जैसा योगी आदित्यनाथ जैसा बुलडोजर से घर उध्वस्त करे जालिम लोगों का, इसी तरह से उसका भी घर उध्वस्त करना, उसका भी घर जमीन ध्वस्त करना और उस दरिंदे को, उस शैतान को जो है फांसी देना, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मेरा नाम फजल पठान है। इंदो बेळगावी जिलाधिकारी कार्यालय आवरण
समस्त मुस्लिम संघटने वक्कूट वतू कूड़े विषयवेने मे चेतन सिंग एंबवन आर पी एफ जवान आर पी एफ जवान वेश मुस्लिम मुस्लिम जन आदिवासी आर पी एफ अधिकारी गुंड हाकि हत्ये माडिदाने आर पी एफ जवान वेश आतंकवादी बेळेयुत्तिद्दारे जनरु इवत्तु कृत्यवन्नु घटनेयन्नु नावु खंडिसुत्तेवे इल्लि भारत देशदल्लि मुस्लिम जनरिगे दलितरिगे आदिवासिगळिगे जीविसुव हक्किदे बाबा साहेब अंबेडकर अवरु संविधानद मूलक एल्लरिगू समवागि जीविसलु हक्कु नीडिद्दारे ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಷಬೀಜುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳೆತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಇಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ ಕುಕ್ಕಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃತ್ಯಗಳ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾವು ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ ಎಂಬವನು ಏನು ಈ ಘಟನೆ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆತಂಕವಾದಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆದು ಇದು ಅಂತ ಈ ಕಾರಣಗಳ ಕೊಡುವುದು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮಗೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವನೇ ಏನಾದ್ರು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಾವು ಆತಂಕವಾದಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ ದೇಶದ ವಿರೋಧಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಯಾವ ಆತಂಕವಾದಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವನನ್ನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಆತಂಕವಾದಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಮುನವ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ अगर आप ना होंगे अगर के घर में अगर बैठे रहेंगे तो आपके जैसे सोचने वाले और 100 पैदा होंगे और हमारे आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएंगी इसके लिए आपको कहता हूँ संविधान के दायरे में कानून के दायरे में रहकर इन चीज़ों का मुखालफत करना बहुत ज़रूरी है।